हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर यूएस टू पीरियड एंड आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कंसेप्ट ऑफ द टाइम. फर्स्ट टू पॉइंट्स आई हैड एक्सप्लेन द लास्ट लेक्चर. फर 2.1 इज डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन. सेकेंड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग द टाइम. ओके, दिस पीरियड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट, दैट इज historical period. We learned in the first lesson that history is a science that tells us about events that happened in the past. First lesson में हमने यही पढ़ा है ना, history मतलब क्या होता है. तो history मतलब जिसमें हमें past में क्या event हो गए, हाँ वो history हमें बताती है. Okay, we also learn that every bygone moment make up a past. ये भी आपको पता है कि जो मोमेंट चला जाता है वो किस में काउंट किया जाता है, पास्ट में. द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री. इन अ ब्रॉड सेंस द मेथड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर हिस्ट्री, बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इसका मतलब क्या है, तो अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री का पीरियड पता लगाएंगे तो हिस्ट्री कब से चालू हुई है, जब हमारा सोलर सिस्टम का बर्थ हुआ. सोलर सिस्टम मालूम है ना आपको, यस, सन एंड इट्स प्लैनेट्स. अवर सोलर सिस्टम कम इन टू बींग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. अपना हिस्ट्री कब चालू हुई है, मतलब ये सोलर सिस्टम कब ये हुआ, कम इन टू एग्जिस्टेंस, कम इन टू बींग. अवर सोलर सिस्टम कम इन टू बींग कब, अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. अवर अर्थ इज अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और अपने अर्थ क्या है, एक सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है. सन एंड इट्स प्लैनेट्स मेक अ सोलर सिस्टम, पता है आपको. हाँ, तो अपनी सोलर सिस्टम कब आया, कम सोलर का सन का बर्थ कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो. सो इट इज प्रेज्यूम दैट द अर्थ वॉज ऑल्सो फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. इसके लिए ऐसे कहा जाता है कि अपने अर्थ भी कब, अर्थ का बर्थ कब हुआ होगा, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो. द स्पैन ऑफ 4.5 बिलियन एगो ईयर सिंस द अर्थ फॉर्मेशन इज अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम. द स्पैन ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स सिंस द अर्थ फॉर्मेशन इज अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अर्थ का फॉर्मेशन जो हुआ, ये जो पीरियड है बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, वाइड पीरियड है. ओके, इट इज नॉट ईजी टू grasp that entire period all at once. मतलब ये इतना बड़ा पीरियड है, इतना लॉन्ग पीरियड है, वास्ट पीरियड है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कलेक्ट नहीं कर सकते, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प देयर एंटायर पीरियड ऑल एट वंस. इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इंटू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. तो इसके बारे में अगर हमें पढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेज में इसको डिवाइड करके फिर हमें उसको समझ लेना चाहिए. देयरफॉर द टाइम इन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पीरियड्स. इसके लिए हमने क्या किया, ये जो हिस्ट्री का टाइम है, टाइम ऑफ हिस्ट्री, उसको टू पीरियड्स में डिवाइड किया. समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीरियड है, तो इसको हम लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती. तो हमने क्या किया, इसको दो पीरियड्स में डिवाइड किया. तो टू पीरियड्स आर प्री हिस्टोरिक पीरियड. फर्स्ट पीरियड इज प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड सेकंड वन इज हिस्टोरिक पीरियड. ओके, तो फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक पीरियड. प्री हिस्ट्री मतलब क्या, प्री हिस्ट्री मीन्स सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री. ये तो आपको पता है, प्री हिस्ट्री मतलब क्या, बिफोर हिस्ट्री. द प्री हिस्ट्री पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय नो रिकॉर्ड सॉरी द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय विच टू राइट इट्स हिस्ट्री. प्री हिस्टोरिक मतलब क्या, जिसमें हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है. ओके,
एंड हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट हिस्ट्री. हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, कि जिसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हाँ, जिसके लिए हमने क्या लिखा, हिस्ट्री लिखी है. ओके, द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. हिस्टोरिक पीरियड मतलब क्या, जिसमें हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड मिला है जो हमने क्या क्या लिखा है. फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज के बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए हमने शिवाजी महाराज की हिस्ट्री लिखी. ओके, नाउ हाँ टेल मी व्हाट इज वी स्टडीड इन द पॉइंट नंबर 3, हिस्टोरिकल पीरियड्स. हिस्टोरिकल पीरियड्स आर डिवाइडेड, इट्स अ वेरी वाइड पीरियड ऑफ टाइम, है ना. ओके, दैट्स वाई वी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, विच टू पार्ट डिवाइड इंटू टू पीरियड्स. फर्स्ट पीरियड इज प्री हिस्टोरिकल पीरियड एंड सेकेंड इज हिस्टोरिक पीरियड. तो व्हाट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्ट्री मतलब, प्री हिस्टोरिक मतलब बिफोर हिस्ट्री. ओके, जिसके बारे में, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. मतलब ये ऐसी हिस्ट्री है कि जिसके बारे में हमारे पास कोई भी नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल बाय विच इट राइट इन इट्स हिस्ट्री. मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड मतलब जो बिफोर हिस्ट्री का पीरियड है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है. हिस्टोरिकल पीरियड मीन्स व्हाट, द हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल यूजिंग विच वी कैन राइट द हिस्ट्री. ओके, मतलब हिस्टोरिक पीरियड मतलब जिसके बारे में हमें बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड मिले, रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसके यूज़ करके हमने हिस्ट्री लिखी है. फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज का मैंने बताया था, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं से लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन मिला है, रिटन रिकॉर्ड मिले हैं और उसका यूज करके हमने उनकी हिस्ट्री लिखी है. नाउ पॉइंट नंबर 2.4, द साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग द टाइम एंड एस्टैब्लिशिंग एज और डेटिंग. We are actually measuring time when we talk about today's date or day or the week etc. ठीक है, हम लोग टाइम को कैसे मेजर करते हैं, तो हम लोग किसके बारे में बोलते हैं कि आज की डेट क्या है, आज का डे क्या है और कौन सा वीक है. वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम. ये भी हमने देखा है कि टाइम मेजर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. दीज मेथड्स अलाउ अस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर डे, मंथ और ईयर with respect to अर्लियर और लेटर डे, मंथ और ईयर. ठीक है ना, जिसका हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमें दिस मेथड्स क्या करते हैं, हमें आइडेंटिफाई मतलब हमें समझ में आता है कि कौन सा दिन चालू है, कौन से मंथ का चालू है, उसके बाद कौन से ईयर चालू है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज जून, देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ वॉज मे एंड द नेक्स्ट वन विल बी जुलाई. ये पता है ना आपको, एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि अगर आज ये जो मंथ है इफ़ इट इज़ जून मंथ, हाँ, तो देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ, तो जून से पहले वाला मंथ कौन था, द अर्लियर मंथ इज मे एंड द नेक्स्ट मंथ विल बी जुलाई. इफ टुडे इज द 10th of June, अगर आज 10 तारीख है, जून की 10th of June है, देन वी कैन टेल दैट टुमारो विल बी 11. अगर आज 10 है तो कल क्या होगा, 11th होगा, और यस्टरडे कौन सी होगी, एंड यस्टरडे वॉज 9th of June. दस वेन वी मेजर टाइम वी एक्चुअली मेजर इट्स लेंथ. इसका मतलब क्या है, जब हम लोग टाइम को मेजर करते हैं तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, एक्चुअली हम लोग उसका लेंथ मेजर करते हैं कि कितना बड़ा दिन है और कौन सा डे है. द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा आर मेंशन एज हैविंग occurred before the common era, है ना, BCE, the event before the beginning of a common era are mentioned as having occurred before the common era. Information about some of these events can only be obtained with the help of events buried under the ground. मतलब जो common era से पहले जो हमें evidence मिले हैं, जो भी events हुई है उसके बारे में हमें कैसे मत पता चला, किसके बारे में, किसकी हेल्प से हमने उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, कौन से ये एविडेंस, मतलब जो एविडेंस हमें बरीड अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे जो एविडेंस छिपे हुए थे, बरीड थे, उसका यूज करके हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. दिस एविडेंस इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन
broken man-made artifacts and felon structure. ठीक है ना, ये जो evidence है, evidence मतलब क्या होता है, proof. हाँ, वो proof कौन से मिले हमें, evidence कैसे मिले हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैनमेड आर्टिफैक्ट्स एंड फैलन स्ट्रक्चर. मतलब उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने जो भी चीज़ें यूज़ की थी, फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज मैन, हमें कैसे पता चला स्टोन एज मैन था, तो उन्होंने जो भी चीज़ें यूज़ की थी स्टोन की, वो सब हमें बरीड कंडीशन में मिली है. एंड फैलन स्ट्रक्चर, फैलन स्ट्रक्चर मतलब उस टाइम के जो ये थे होम थे या फिर फोर्ट थे, उनके स्ट्रक्चर्स मिले हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज रिमेन्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड वी कैन डिटरमिन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. और ये जो चीज़ें हमें मिली है इसका यूज करके एंड साइंटिफिक मेथड को यूज करके हमने क्या किया है, ये पता लगा कि वो इवेंट कब हुआ था, वेन द इवेंट दैट टुक प्लेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो. हाँ, देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड ऑन वन अबव द अदर अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ये आपको पता है, आपने कभी देखा है, कभी जब खुदाई होती है तो वहाँ पे देखो बहुत बड़ा खड्डा मतलब गड्ढा खोदते हैं तो आपको ऐसे लेयर दिखाई देंगे. ओके, देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड वन अबव द अदर. मतलब ऐसे लेयर्स होते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं. द पीरियड ऑफ दिस लेयर्स एंड ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन देम कैनॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट. हाउएवर रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एगो, मतलब ये जो सॉइल के लेयर्स होते हैं इसे हमें पता नहीं चलता कि वो कौन से डेट में और कब हुए हैं. बट हम लोग कैसे करते हैं, एस्टिमेट करते हैं. एस्टिमेट मतलब इमेजिन करते हैं ऑफ हाउ मेनी ईयर्स एगो दिस एग्जिस्टेड कैन सर्टनली बी मेड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके ये पता लगाया जाता है. सच एज, कौन से साइंटिफिक मेथड, सच एज कार्बन 14 एनालिसिस, ओके, ट्री रिंग एनालिसिस, हाँ, डेंड्रोकोलॉजी एक्सेट्रा. दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक. विच मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक, तो लुक हियर, देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपॉजिटेड वन अबाउट द अंडर अदर अंडर द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे जो है बहुत सारे लेयर्स आपको सॉइल के दिखाई देंगे. द पीरियड ऑफ दिस लेयर्स एंड ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन देम, ये जो लेयर्स का पीरियड है वो और उसके अंदर जो भी रिमेन ये मिले हमें रिमेन्स, कैनॉट बी स्टेटेड डेफिनेट इन टर्म्स ऑफ डेट, तो उनका डेफिनेट डेट नहीं बता सकते. हाउएवर अ रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स अगो दे एग्जिस्टेड कैन सर्टनली बी मेड यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. लेकिन वो कब हुआ होगा, एस्टिमेट किया जाता है कौन सा मेथड यूज करके, साइंटिफिक मेथड. ओके, साइंटिफिक मेथड्स कौन सी, सच एज कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग एनालिसिस, हाँ, एक्सेट्रा. दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्नोलॉजी. बाई यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम आर. ओके, ये जो डेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, डेटिंग टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है, कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग सॉरी एनालिसिस. बाई यूजिंग दिस डेटिंग टेक्निक वी लर्न हाउ ओल्ड द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रिमेन्स फाउंड इन देम आर. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लेयर्स है वो कितने ओल्ड है और उसके अंदर के रिमेन्स. देन वी कैन डिटर्मिन देयर पीरियड अप्रॉक्सीमेटली, और फिर हम लोग उसका पीरियड लगा सकते, अंदाज से लगा सकते हैं कि क्या कौन से पीरियड में होगा. अभी देखो रिमेन्स मतलब क्या होता है, तो जो देखो स्टोन एज मैन ने जो चीज़ें यूज़ की थी वो तो स्टोन की थी, तो वो हमें वहाँ पे ज़मीन के नीचे गड़ी हुई मिली थी. ओके, फॉर एग्जांपल इफ एन अर्थन पॉट इज एस्टिमेटेड टू बी 500 ईयर्स ओल्ड विद द हेल्प ऑफ द डेटिंग टेक्निक, मतलब अर्थ का जो पॉट है वो कब कौन से टाइप का है, मतलब 500 ईयर्स ओल्ड का है विद द हेल्प ऑफ द डेटिंग टेक्निक. मतलब डेटिंग टेक्निक का यूज़ करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वो जो अर्थन पॉट हमें मिला है बरीड अंडर द ग्राउंड वो कब का है, कितने ईयर्स का है. वी कैन से दैट द अर्थन पॉट्स डेट्स बैक रफली टू 300 BC. देन वी कैन कंक्लूड दैट द पीरियड ऑफ द कल्चर टू विच द पॉट बिलोंग्स मस्ट बी अराउंड 3000 BC. ओके, इस तरह से वो चीज़ें
किसका यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं? तो साइंटिफिक मेथड सच एज कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्रेनिंग रिंग एनालिसिस. ओके, ये सब चीज़ों का यूज़ करके हिस्ट्री के बारे में हमें सब इंफॉर्मेशन मिलती है. अभी देखो यहाँ पे लुकियो, विलार्ड, ये कौन है? विलार्ड लिबे. इट इज पॉसिबल टू डिसाइड द एज ऑफ एंशंट ऑब्जेक्ट अप टू 60,000 ईयर्स ओल्ड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन 14 मेथड. मतलब 16,000 ईयर्स की पहली चीज जो है, हाँ, वो कैसे, किसके यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं? तो कार्बन 14 मेथड. दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट विलार्ड लिबे. ये किसने इन्वेंट की थी ये मेथड? तो ये जो साइंटिस्ट है, हाँ, विलार्ड लिबे, इन्होंने. अभी इसके बाद देखो डेटिंग मेथड क्या है. अब देखो डेटिंग मेथड मीन्स व्हाट? तो कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दैट इज फाउंड इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी देखो ये कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो किस में मिलता है आपको? लिविंग थिंग्स के बॉडी में. आफ्टर द डेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द कार्बन 14 इन द बॉडी बिगैन टू डिक्रीसेस. देखो जैसे ही वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ होती है तो उसके अंदर का जो कार्बन 14 जो है वो क्या होती है? बिगैन टू डिक्रीज, वो कम होने लगती है. When pieces of wood, charcoal, coals, bones, fossils, etc. from the prehistoric period are found, it is possible to measure the remaining C14. C14 मतलब carbon 14 in a laboratory. By measuring the remaining C14 in this object, we learn how old that object is. मतलब वो जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है या फिर बॉडी मिलती है डेथ ऑर्गेनिज्म के, जो C14 है वो डिक्रीज होने लगता है, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं कि कितना उसके अंदर C14 बचा है. वी लर्न हाउ ओल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज. दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ डेटिंग द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द C14, दैट इज कार्बन 14 डेटिंग मेथड. देयर आर अ फ्यू अदर डेटिंग मेथड्स बट द C14 डेटिंग method is the one most frequently used. Once the age of an ancient object is determined with the help of this and other dating method, it is possible to determine the period of the culture to which this object belongs. एक बार अगर हमें C14 मेथड से पता लगेगा कि कब के वो चीज कौन से कल्चर में है तो उस कल्चर का पता लग सकता है. Then it can be placed on a unilinear timeline. As the tree grow, ये हो गया हमारा living things के बारे में, हाँ, लेकिन अभी देखो ये tree is also living thing, but as the tree grow in height, जैसे जैसे tree की height बढ़ती है, आपने देखा होगा जब छोटा सा पौधा रहता है तो वो छोटा सा पतला रहता है, जैसे जैसे वो grow होता है, the trunk also grow in girth, उसका जो trunk है वो उसकी size भी बढ़ जाती है. A new ring appear फॉर एवरी ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ ग्रीफ. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्मॉल ट्रंक है, हाँ, ये जैसे वो बढ़ जाता है उसका बाहर का जो ट्रंक है उसका साइज बढ़ता जाता है. ओके, एक एक रिंग उसके साइड से अपीयर हो जाती है एवरी ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द ग्रीफ. दीज रिंग्स कैन बी सीन वेन द ट्री इज कट. जब आपने कभी देखा है ट्री कट किया गया हुआ ट्री, आप देखो बड़ा ट्री जब कट करते हैं उसका जो बेस रहता है उधर देखो आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देंगे. दैट मीन्स जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है एक एक रिंग उसके बाजू में बनता जाता है. इफ़ वी काउंट द रिंग्स, अगर वो रिंग हम लोग काउंट करेंगे देखो ऐसे रहता है, ये कटा हुआ ट्री है ऊपर का, उसके बाजू में आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देंगे. ओके, ये रिंग्स काउंट करेंगे तो आपको पता चलता है कि वॉट इज द एज ऑफ दैट ट्री. इफ वी काउंट रिंग्स वी कम टू नो द एज ऑफ द ट्री. दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमिन द एज ऑफ अ वुडन आर्टफैक्ट्स. इसी तरह से वुडन आर्टफैक्ट्स का भी एज बता सकते हैं. दिस मेथड इज नोन एज अ ट्री रिंग मेथड और डेंड्रोकोलॉजिस्ट. समझ में आया आपको?
डेटिंग के टू मैट्रिसेस कार्बन 14 एंड और कार्बन 14 एंड ट्री रिंग एनालिसिस, कार्बन 14 एंड ट्री रिंग एनालिसिस. ओके, कार्बन 14 लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है एंड ट्री रिंग फॉर ट्रीज के लिए. ट्रीज ऑल्सो लिविंग थिंग बट इसके लिए अलग. अंडरस्टैंड? सो आपको क्या करना है, रीड दिस लेसन केयरफुली. ओके, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर. ये तो मैंने लिया है आपका, फिर भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, बिग क्वेश्चंस आपको लिखना है. रीड द लेसन एंड फाइंड आउट योर आंसर्स. ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज योअर होमवर्क. ओके, राइट योर डेट, दिस इज योअर होमवर्क. ओके,